मनन से त्राण करे, उपनिषद में लिखा है। मंत्र का अर्थ मनन के द्वारा त्राण माने उद्धार कर दे, उसका नाम मंत्र है। उपनिषद में यह व्याख्या दी गई है, मननात् मनन के द्वारा त्राण करे बैठ। और फिर मंत्र तंत्र यंत्र तीन एक ग्रंथ लिखना है। मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन, जहाँ तक मुझे ध्यान है 409 पृष्ठ तो लिख चुके, 1500 पृष्ठों में शायद वो ग्रंथ पूरा हो या 2000 पृष्ठ में हो। मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन, तंत्र शास्त्र का एक अद्भुत ग्रंथ होगा वो, भगवत कृपा से स्वस्थ समय देंगे ही भगवान। वो जो तंत्रालोक अभिनव गुप्त जी का है, तंत्र सार है, उन सबको पढ़कर लगभग 100 तंत्र के ग्रंथ का अध्ययन करके फिर वो ग्रंथ लिखना है। अपने मस्तिष्क में जो दृष्टिकोण है वो तो है ही, कुछ गुरुदेव का आशीर्वाद है। तो मंत्र का अर्थ होता है जिसके मनन से त्राण हो, उद्धार हो, उसका नाम मंत्र। मंत्र का अर्थ मंत्रणा भी है। अब कोई मंत्र देहु कहा है ने, मंत्र का अर्थ मंत्रणा। आगमोपह प्रजादेशा काल कर्मचा जन्मचा ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशैत्य गुण हेतवा श्रीमद्भागवत 11वां स्कंद 13वां अध्याय 4वां श्लोक। ये 10 जो है उसमें मंत्र, मंत्र माने मंत्रणा। अब मंत्र का अर्थ होता है ह्रीं आदि रामायण नमः राम महामंत्र, जिसके जपने से त्राण हो, उद्धार हो, लौकिक पारलौकिक दोनों उत्कर्ष हो, साथ ही साथ परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, उसका नाम मंत्र है। और कोई